जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, ये सत्संग लिखवाना या बुलवाना सब गुरु जी की मर्जी से ही होता है। हम क्या सोचते हैं यह जरूरी नहीं, जरूरी तो यह है कि गुरु जी क्या चाहते हैं हमसे। क्या हम सच में गुरु जी की हर बात को फॉलो करते हैं? आज मैं यहाँ बिना किसी का नाम लिए कुछ सत्संग, कुछ लोगों के विचार शेयर करने जा रही हूँ। आज संगत बहुत दुविधा में है, बहुत परेशान है, बहुत सारे कष्ट हैं। तब जब उन्हें एक भी आशा की किरण नजर आती है तो वह एकदम से गुरुजी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। संगत जी, पहली बात तो ये है कि आजकल लोगों ने अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से, अपनी सुविधा को देखते हुए सत्संग रखने शुरू कर दिए हैं। हमें कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना होगा अगर हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स बेहिसाब चाहिए, हमेशा चाहिए, अनंत काल तक चाहिए, तो हमें अपनी मर्जी नहीं चलानी है। आज संगत अपनी सुविधा को देखते हुए 2 घंटे का सत्संग 1 घंटे का करना शुरू कर देते हैं, 1.25 घंटे का, 1.5 घंटे का। क्यों, किसने कहा आपको ऐसा करने को? जो नियम है सिर्फ उसे फॉलो करें। नियम है 2 घंटे का सत्संग करने का, उसे आप खुद चेंज कैसे कर सकते हैं? गुरु जी ने 2 घंटे का सत्संग पहली बार गुड़गांव में खुद ही शुरू करवाया था। आप इसको कैसे चेंज कर सकते हैं? अब इसका भी गहरा कारण है। संगत जी, जब सत्संग शुरू होता है तो गुरु जी का स्वागत वेलकम बैंड से, मतलब जब गुरु जी गाड़ी से उतरकर घर तक आते हैं, गद्दी पर बैठते हैं, बैंड चलता है, फिर एकोंकार का जाप चलता है और जोत जगाई जाती है। जाप के बाद जल प्रसाद गुरु जी को पिलाने के बाद संगत को दिया जाता है। अब इसी में हमारे 15 मिनट लग जाते हैं। फिर गुरुजी के लिए चाय प्रसाद रखा जाता है। 15 मिनट बाद चाय प्रसाद संगत में बांटा जाता है। टोटल इस प्रक्रिया में 1.25 घंटा लग जाता है। फिर जाकर सत्संग में लिव लगनी शुरू होती है। गुरुजी से हमारा कनेक्शन लगना शुरू होता है। हम अपने मन की बात गुरुजी से करते हैं। शब्द गुरबानी चलती है। शब्द गुरबानी सुनते हुए हमें गुरुजी हमारी हर बात का आंसर गुरबानी में देते हैं। लगभग 1.25 घंटे के सत्संग के बाद लंगर प्रसाद के भोग की थाली तैयार करने लगते हैं और 15 से 20 मिनट तक गुरुजी को भोग लगाते हैं। शुक्राना चलता है, फिर भोग उठाया जाता है। अब इस पूरी प्रक्रिया में 1.25 घंटे निकल जाते हैं। संगत जी, अब आप ही बताओ कि 1 घंटे के सत्संग में क्या सब कुछ जल्दी जल्दी करना जरूरी है? अगर हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं या कोई बड़े बुजुर्ग आते हैं तो क्या हम चाय के साथ साथ ही उन्हें खाना सर्व कर देते हैं? नहीं ना, हम कुछ समय का ब्रेक लेते हैं। सेम ऐसे ही हमें सत्संग में भी समय देना होता है। ये सब संगत आज अपनी सुविधा के लिए करने लगी है। सत्संग का मतलब ये भी है कि आराम से बैठकर सत्संग का आनंद लिया जाए। अपनी लिव सतगुरु से जोड़ें, अपना कनेक्शन बनाएं। काम तो जिंदगी भर खत्म नहीं होंगे, दुविधाएं तो हमेशा ही रहेंगी। अपनी परेशानी से भरी जिंदगी से हटकर 2 घंटे गुरुजी के साथ बैठे। संगत जी, हमें अपने जीवन में सत्संग और सिमरन के वक्त को बढ़ाना चाहिए, ना कि कम करना चाहिए। कुछ गलत कहा हो तो माफ करना मेरे गुरुजी, पर शायद आपकी आज्ञा से ही ये सब कह पा रही हूँ। गुरुजी ही बुलवाते हैं, ऐसे मैसेजेस गुरुजी की मर्जी से ही लिखवाते हैं
और दूसरी बात ये कि बहुत सारी संगत आज क्वेश्चन करती है कि आंटी, हमारे पति, अंकल या हमारे बच्चे गुरुजी को नहीं मानते और इस वजह से हमें अकेले मंदिर जाना पड़ता है जो कि हम नहीं जा पाते, या हम चोरी से जाते हैं, तो मुझे कोई अचरज नहीं होता क्योंकि इन सारी बाधाओं से मैं भी गुजर चुकी हूँ। संगत जी, किसी को गुरुजी आसानी से मिल जाते हैं तो किसी को मुश्किल से मिलते हैं। आपके जैसे कर्म प्रारब्ध के हैं, आपको वह सब भोगने के बाद ही गुरुजी मिलेंगे, और जो रह गए हैं वह गुरुजी ने हमारे कर्म अपने ऊपर ले लिए और अच्छे कर्मों का सिला हमें खुद से जोड़कर दिया। अब इसका जवाब ये है कि जो मैंने भी किया, जो मैंने अपने ऊपर लागू किया, मुझसे गुरुजी ने ही करवाया। आपको भी ऐसा ही करना है। आपको किसी को फोर्स नहीं करना। मंदिर जाने के लिए या गुरुजी से जोड़ने के लिए आपको सिर्फ गुरुजी से ही अरदास करनी है कि गुरुजी, मैं चाहती हूँ मेरे अंकल, मेरे बच्चे भी मंदिर आए। हर रोज खुद को यह थॉट भेजना है। जैसे फील करना होगा, आपको खुद ही फील करना होगा कि मैं मंडे को या थर्सडे को या संडे को जब भी मंदिर जा रही हूँ, आप ऐसा सोचें कि मैं मंदिर में जा रही हूँ और मेरे बच्चे और मेरे अंकल भी साथ जा रहे हैं। हम मंदिर में एक साथ बैठकर लंगर प्रसाद खा रहे हैं और मैं गुरुजी का शुक्राना किए जा रही हूँ भीगी भीगी आंखों से। अब मेरे चेहरे पर एक मुस्कान खुशी की छा जाती है। ये फीलिंग आपको इतना सुकून देगी संगत जी। ये पॉजिटिव थॉट आपके सपने को, आपकी फीलिंग को सच कर देगा। पर संगत जी, याद रखना, इस पूरे प्रोसीजर में एक भी इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, एक भी डॉट नहीं होना चाहिए। जहां शायद ना हो ये शब्द आ गया, वहीं ये थॉट पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा और फिर से आप वहीं पहुंच जाएंगे नेगेटिव थॉट में। थोड़ा अभ्यास कीजिए। सामने गुरुजी का चेहरा, आंखें बंद, अद्भुत फीलिंग, और आप सब पूरा परिवार मंदिर में होंगे, सत्संग में होंगे। यह बिल्कुल सच है। आप फील करके देखिए, तब आपको गुरुजी का डायरेक्ट कनेक्शन मिलेगा, तब आपके पूरे परिवार को गुरुजी खुद लेने आएंगे किसी भी रूप में। संगत जी, आपको पता है गुरुजी हमेशा ही आंटियों को क्यों जल्दी ब्लेस करते हैं? पता है क्यों? वह कहते हैं, ये बेचारी आंटियां अपने लिए कभी नहीं मांगती, हमेशा परिवार और बच्चों की, पति की खुशी के लिए ही सुख मांगती हैं, इसलिए मैं इन्हें जल्दी से ब्लेस करता हूँ। पर जो लोग अपनी मैम ही होते हैं, अपनी मर्जी करते हैं, गलत मैसेज देते हैं, उन्हें मैं पनिश तो नहीं करता, पर हाँ, उनके पास टिक भी नहीं पाता। गुरुजी को हमसे कुछ नहीं चाहिए। संगत जी, उन्हें क्या चाहिए? सिर्फ संगत का प्यार, संगत का भरोसा, डिसिप्लिन, सफाई, नेकदिली, दया, क्षमा, परोपकार, सज्जनता और पॉजिटिविटी। और सबसे ज्यादा जो उन्हें चाहिए वह है आपका भोलापन। भोले भाव से अपने भोले भाले शिव को, महाशिव को, अपने गुरुजी को आप रिझा सकते हैं। अपना क्लास वर्क, अपना होमवर्क टाइम पर करो। होमवर्क मीन्स सिमरन, जाप, मंत्र जाप, सेवा समय पर करना जरूरी है। जैसे बाकी दिनचर्या के काम करते हो वैसे ही यह सब भी करो, तब गुरुजी बहुत ही खुश होते हैं। और आखिरी बात यह है संगत जी, जो आज गुरुजी आपके सामने शेयर करवा रहे हैं। कई बार संगत बहुत ही परेशान होती है और जब उन्हें आशा की एक छोटी सी किरण दिखाई देती है,
जब उन्हें कोई ऐसा मैसेज मिलता है जिसमें किसी संगत को गुरुजी के द्वारा ठीक करने का सत्संग होता है तो वह एकदम से खुश हो जाती हैं। पर वह कहती हैं कि आप हमारे लिए संगत में अरदास करवाना। पर संगत जी, अरदास तो हम सबके लिए ही करते हैं, और अगर आप बीमार हैं तो दवाई तो आपको ही खानी पड़ेगी। जितनी बीमारी ज़्यादा और पुरानी उतनी ही डोज ज़्यादा खानी पड़ेगी। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ मंत्र जाप का तरीका सही होना ज़रूरी है। एक दो बार से कुछ नहीं होगा, ये हमारी औषधि है। गुरुजी के बड़े मंदिर जाकर लंगर प्रसाद खाना, ब्लेसिंग्स रेगुलर लेना बहुत ज़रूरी है, और मंत्र जाप का समय निश्चित करके उसे करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तरीके से करना, किस तरीके से करना, कनेक्शन बनाना, ये हमारे सारे खुद के एफर्ट्स हैं। बाकी तो गुरुजी सब कुछ खुद ही करते हैं। गुरुजी के आगे बैठकर अरदास करना यह बहुत ज़रूरी है। फिर देखें गुरुजी आपको कैसे ब्लेस करते हैं। हमें मेहनत तो खुद ही करनी होगी। अगर हमें भूख लगी है तो दवाई भी हमें खुद ही खानी होगी, पर तरीके से, टाइम से। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सत्संग लिखवाने का शुक्राना, सत्संग को बुलवाने का शुक्राना। ऐसे ही संगत का प्यार मिलता रहे, आप यूं ही गुरुजी से सब जुड़े रहें, गुरुजी सबका कल्याण करें, सबको ब्लेस करें, सारे दुख, सारी परेशानियां, सारी बीमारियां गुरुजी इस दुनिया से खत्म कर दें। आपके नाम की ज्योत हर घर में जगे, आपके नाम का सिमरन, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, हर एक की जुबान पे हो। मेरे प्यारे वीर जी, आपकी वीरा की यही अरदास है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।